Guys, we are once again back with the very intensified. I am Exio presenting you the entire Saturday face off for now. And आज का हमारा जो second match है, वो मतलब basically second set का second match है, वो begin हो जाएगा. Let's see the George fans क्या यहाँ पे वो comeback करते हैं या फिर OP Almighty they just nail it out. Let's see who wins it out. But उसके साथ हमारे जो Elite Four की ये जो series चल रहा है face off का, that is really very amazing. I hope you all are enjoying. And to show the support, hit the like, hit the subscribe. Just do it all. I know you all will do it. क्योंकि यहाँ पे चैट्स अगर बात करें, they are really very interactive and वो जो कमेंट्स हो रहे हैं, that are very good comments and I hope you all are enjoying it. Meanwhile, poker selection फिलहाल के लिए चल रहा है. 20 seconds उनके पास है, तो selection out कि आपको क्या लेना है. इस बार एक यूनिक एजेंट मेरे साइड से देखने को मिल रहा है. Not agent, we can see the poker selection के साइड से. We can see the board able to match him. Let's see how the brilliant smash he do. But उसके साथ अगर देखा जाए तो कैमरन as an attacker, he might change the entire game. वहाँ पे उड़ा सकते अपने टोर्नाडो के साथ, अपने टाइफून के साथ ही कर सकते हैं, या फिर वेव के साथ किसी को भी बहा के पीछे या फिर आगे वो शेक आउट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू शेक इट आउट, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट होने वाला है. इन्फिनिटी जॉर्ड वर्सेस नन अदर ओपी ऑल माइटी. लेट्स सी द माइटीएस्ट प्लेयर, क्या इस बार कुछ माइटी शॉट लगाते हैं फिर से एक अनोखे फॉर्म में, या फिर हमारे इन्फिनिटी जॉर्ड कुछ जॉर्ड गेम प्ले दिखा के निकल के जाएंगे ये फाइट. लेट्स सी हु विंस इट आउट, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट होगा एंड आई होप you all will get full on entertained. Let's see how the match goes. 10 time rahega, 10 minutes ka time, within that they have to complete the fight. Let's see, begin ho chuka hai and along with that yahan pe ek decent sa split, 3-1-1 ka split, jungling karne ke liye ja chuka hamare Syndra's. Meanwhile yahan pe Zerora clueless. Let's see how he steal it out for now. Yahan pe apne basically jo wo jo ek chota sa cutie sa dog rehta hai unko upar focus kar rahe hain taki wo jo 2 xp hai wo unko gain out kar sake. For now Squirtle being a gentleman game, यहाँ पे आगे आके कॉल आउट करना चाहते हैं. ग्रैब को इधर से क्रैप ऑन किया जा रहा है, यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रैब आउट कर सके. फिलहाल के लिए बॉटम लेन being a very decent shot, but Lucario opening the first goal with the 8 scoring out and giving a very good lead to his teammate. Let's see kya yahan pe wo leading kitne der tak wo maintain kar ke reh payenge. For now behtareen tarike se blitz ka shandar istemal from the side of Bulbasaur, but Mr. Mind he can do a very damn good glass barrier which is entirely done to block the teammate, or he can do a upliftment so that he can provide some damage. Let's see how he will do it. Berries ka support dust प्रेजेंट कर रहे ताकि अपने आपको हील से भी वो डेफिशिएंसी ना रख पाए. फिलहाल के लिए जो फाइट था वो थोड़ा सा स्टैगन रहेगा, 850 हिट करेगा, 20 आएगा. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सारे प्लेयर्स एक क्लस्टर फॉर्म आउट करेंगे ताकि वो 20 को ग्रैप ओपन कर सके. स्नो लैक्स इज अ डिफेंडर, अग्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे ब्लॉक आउट कर सके. शील्ड नहीं है तो ही हैव टू यूज हिज बॉडी टू बेयर द डैमेज, बेयर द बेसिकली द जो डैमेज वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं. बट ओपी ऑलमाइटी के प्लेयर्स ये काफी ज्यादा पीछे हट चुके हैं. बॉटम लेन में काफी स्ट्रगलिंग मोमेंट जरूर से रहेगा. बैक टू बैक कम बैक गोल्स जो है वो टॉप लेन में किया जा रहा है, बट फॉर नाउ यहाँ पे खतरनाक हो सकता है. ओपी ऑलमाइटी डूइंग अ वेरी गुड रश, यहाँ पे और इन साइड से हम लोग देख पा रहे ओपी ऑलमाइटी को एंड अनदर टीम जॉर्ड मीन्स इन्फिनिटी जॉर्ड इन द साइड ऑफ द पर्पल साइड. तो वो एग्रेशन जरूर से दोनों टीम्स मेंटेन कर रहे हैं फॉर नाउ, बट यहाँ पे वो 850 का जो रश था वो खत्म हो चुका. राइट नाउ इट्स अ फाइट फॉर एक्सपी एंड बीइंग सेफ इन दिस ड्रास्टिक फाइट, बट फॉर नाउ यहाँ पे अगर देखिए जाए मैच, आई एम गोइंग अ 50 पोकेबॉल्स इन दिस इन द टॉप लेन एंड 69 गोल्स ऑलरेडी कर चुके हैं और इन द साइड ऑफ नॉट इन्फिनिट इट्स इट वॉज इन्फिनिटी जॉर्ड, बट इन द अदर साइड हम लोग अगर दी तो 66 हल्का सा पीछे जरूर से है, बट फॉल बैक एंटायरली नहीं किया. दे कैन डू अ वेरी वेरी गुड कम बैक. ओपी ऑलमाइटी दे हैव अ वेरी गुड टैक्टिक्स. लेट्स सी इस बार पोकेमोन तो जरूर से थोड़ा सा चेंज आउट किया गया, थोड़ा सा शफल आउट है, बट विद द शफलिंग आउट आई माइट सी कि यहाँ पे वो यूनिक प्लेस भी प्रेजेंट कर सके. एक बेहतरीन कवर के साथ यहाँ पे कैमरन जो है गोल आउट करेंगे. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक बेहतरीन स्कोरिंग के साथ हमारे जो बॉटम लेन के फर्स्ट गोल है वो ब्रेकआउट हो चुका. स्ट्रगलिंग मोमेंट फॉर ओपी ऑलमाइटी. लेट्स सी इन्फिनिटी जॉर्ड दे माइट शो अ वेरी गुड कम बैक फॉर नाउ. बल्बसॉर थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, क्लूलेस अगेन विद दिस फार्म स्ट्रेटजी. यहाँ पे अपने आपको बेयर अप कर रहे हैं ताकि फार्म को डील आउट कर सके. स्कोर शील्ड है, डस्ट को रोकना लगभग इम्पॉसिबल, तो उनको छोड़ा जाएगा गोल आउट करने के लिए. बट मीन बार यहाँ पे बॉटम लेन के जितने भी बेसिकली बीज है वो जरूर से ग्रैप अप ऑन कर चुके हैं, क्योंकि एंटायरली सभी ओपी ऑलमाइटी के प्लेयर्स बैक साइड है बॉटम लेन में, तो वो चांस नहीं मिलेगा कि वो बीज ग्रैप अप ऑन के लेवल अप जो है वो जरूर से रहेगा. But what a slam man. OP already is really unstoppable, doing a very good slam out. Dono kafi bearing HP pe, ek agar A-bomb bhi ek punch maar diya udhar Lucario
will be dead all out. Let's see, क्या यहाँ पे वो all out होंगे? But नहीं, he is just making goal. Meanwhile, यहाँ पे Machamp भी अपने तरफ से goal secure करेंगे. Dreadnought acquire करेंगे. Sandrus rush begin होगा towards the Rotom. Machamp present है रोकने के लिए. Lucario on the other end side switch कर लिया जा चुका है. पीछे से जरूर आ रहे हैं जरूर ना. He might do a very good shot, but उसके पहले यहाँ पे top lane को break कर चुके हैं. वो जो berries के support है, वो जरूर नहीं रहेंगे फॉर नाउ जॉर्ज के लिए. बट लेट्स सी क्या यहां पे वो किस तरीके से हैंडल अप करते हैं. काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट फॉर नाउ. बुश के अंदर छुपे हुए जरूर है मिस्टर माइंड, बट उसके साथ साथ यहां पे वो खतरनाक रश आएगा बाय द स्लैम ऑफ पावर पंच. अलोंग विद दैट यहां पे काफी खतरनाक शील्ड का इस्तेमाल. जोन के अंदर घुसने नहीं दिए मिस्टर माइंड. ही इज एंटायरली ट्रैप्ड इन द साइड ऑफ फ्रॉम बेसिकली जो फाइव मैन स्टैक किया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ इंफिनिटी जॉर्ड. एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट मैन. ऑलरेडी उनको मिल चुका था रेड प्रोटेक्शन. एंड उसके साथ यहां पे रॉटम, they are really basically unstoppable for now. With that, यहाँ पे वो Eldegoss का support जरूर से उनके पास है. Snorlax रूट का नाम नहीं ले रहे. आगे रशन करते जा रहे. OP Almighty को force back करना पड़ेगा. Top lane break होने का कगार पे जरूर है. कोशिश करेंगे और 11 गोल डालना है. But meanwhile यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम लेन पे आके इस मौके का पूरा फायदा. काउंटर गोल जो है वो जरूर से प्रेजेंट करेंगे. OP Almighty कोशिश कर रहे कि इस मौके का पूरा फायदा उठा के बॉटम का जो फर्स्ट गोल है उसको ब्रेकआउट कर सके. उसको ब्रेक थ्रू करके बेसिकली सेकेंड गोल का अवेलेबिलिटी उनके साइड पे ले सके. इनके लिए जो बेडीज का एडवांटेज रहता है इन्फिनिटी जॉर्ड के लिए वो ब्रेकआउट कर सके ताकि वो रिकवरी ऑफ हेल्थ वो फिलहाल के लिए ना हो पाए, क्योंकि एक एडवांटेज है. आप देखिए ड्रेडनॉट के पास आपके इतना ज्यादा क्लोज गोल है, वो इजीली अपने बेडीज के साथ हील अप कर सकता है या फिर वो इजीली बैक साइड जाके अपने आप को थोड़ा सा रिवाइवल कर सकता है अगर उनका बेडीज भी खत्म हो जाता है. सो दे माइट थॉट आउट डिफरेंट स्ट्रैटेजी विच दे कैन इजीली यूज इट आउट टू गेट दैट ड्रेडनॉट. बट यहाँ पे वो सेकंड ड्रेडनॉट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ओपी ऑलमाइटी. फर्स्ट ड्रेडनॉट मिस आउट कर चुके एंटायरली. कोई भी नहीं था मतलब बेसिकली अगर प्रेजेंस रहता तो कहीं ना कहीं फाइट लेके कुछ एक अंदाजा हो सकता था कि ले सकते थे. बट फॉर नाउ यहाँ पे वो फिर से कोशिश करेंगे. बट जस्ट सी द फील्डिंग विच दे हैव सेट राइट नाउ. इन्फिनिटी जॉर्ड को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है. अगर उनको रोकना है तो यहाँ पे सनरस को ब्रेक करना पड़ेगा. उसके पहले जो दो बेस्ट डिफेंडर्स एंड वी कैन से द डिफेंडर एंड द सपोर्टर रोल यहाँ पे वो काफी खतरनाक होगा. मार्च विद दिस अल्टीमेट स्लैम पंचिंग शॉट यहाँ पे ग्रैप अप करने का कोशिश कर रहे हैं. सनरस ग्रैबिंग द सरोरा अलोंग विद का स्ट्रिक मेंटेन कर सकते हैं. सनरस अभी तक लाइव है गोइंग विद अ वेरी गुड शॉट. यहाँ पे कैमरन स्क्वाडन को वाइप आउट कर चुके हैं. Eldegoss ग्रैबिंग अ वन मोर किल. मार्चम को फिनिश अप करेंगे. केओ स्ट्रिक गोइंग इन द पॉकेट्स ऑफ बेसिकली देखने को मिल चुका है. एंड विद दैट यहाँ पे लुकारियो भी मिस्टर माइंड को ग्रैप अप करेंगे. ऑलरेडी ड्रेडनॉट जो है वो नन था हमारे सेंडर्स चुरा चुके हैं. अलॉन्ग विद यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो गोल को सिक्योर आउट कर सके. फिलहाल के लिए टॉप लेन को प्रेजेंट इधर अभी टॉप लेन हल्का सा गोल से शेकअप जरूर रहेगा. बट विद यहाँ पे रॉटम का भी स्टील आउट जो है वो मैंडेटरी हो चुका है. लेट्स सी क्या यहाँ पे वो रॉटम जो है वो स्टील आउट कर पाएंगे. फिलहाल के लिए अभी भी फोकस जो है वो प्रेजेंट रहेगा नन द इन्फिनिटी जॉर्ड, क्योंकि इस बार वो शॉर्ट गेम प्ले दिखा रहे रुकने का नाम नहीं ले रहे. भले पहले मैच हार चुके सेकंड मैच का वो कोई कमी रखना नहीं चाहते. एंड दे वांट टू हिट देम अ वेरी हार्ड शॉट. लेट्स सी क्या ये वो हार्ड शॉट वो हिट कर पाएंगे. बट फॉर नाउ ओपी ऑलमाइटी दे आर रियली वेरी अग्रेसिव फॉर नाउ. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो रॉटम भी सिक्योर नहीं कर पाए. राइट नाउ दे हैव टू डिफेंड इट आउट द एंटायर साइड सो दैट दे कैन ग्रैब बेसिकली वो गोल जो है वो हिट ना कर पाए. फॉर नाउ टाइमर 320 एंड विद दैट यहाँ पे जो Zapdos है टोटली गेम डिपेंड कर रहा है Zapdos के अंदर. 260 का गोल इन्फिनिटी जॉर्ड कर चुके. 109 जरूर से है ओपी ऑलमाइटी के पास. बट लेट्स सी क्या यहाँ पे वो चेंज फील इन मोमेंटम वो चेंज लाने में सक्षम हो पाएंगे. 11 गोल से पीछे हट चुका है ऑलरेडी. फर्स्ट गोल ब्रेक करने से हल्का सा दूर है. बट वी सी इन्फिनिटी जॉर्ड दे आर हैविंग अ वेरी एंड उसके साथ एक गोल मोरलेस ब्रेक ब्रेकआउट, क्योंकि वो रखा गया टू ओवरस्टैक द पॉइंट्स. 2 मिनट्स का टाइमर ओवरस्टैक करेंगे ताकि उधर जाके वो 50 का 100 कर सके. वो जो होता है ना डबल स्ट्रैटेजी पॉलिसी, पैसा डबल दो दिन में, वो टाइप का पोकेमॉन डबल का सीन करना चाहते हैं इस बार. लेट्स सी क्या 2 मिनट के टाइमर के अंदर वो क्या अमेजिंग प्ले दिखाएंगे. मीनवाइल 30 सेकंड्स रहेंगे उनके पास कि यहाँ पे वो ड्रेडनॉट ले सके, क्योंकि अभी एंटायरली ड्रेड जो है वो लोग लेना जरूर से चाहेंगे. 10 सेकंड्स ओके नॉट 30 सेकंड्स उनके पास आई थिंक मोर ऑर लेस 20 सेकंड्स का भी टाइम नहीं मिलेगा. दे विल गेट नियर अबाउट 15 सेकंड्स टाइम टू ग्रैब इट. एंड अगर सेंड्रस एंड Snorlax एंड वो सब सभी कॉम्बिनेशन के साथ करे इजिली वो 7 सेकंड के अंदर वो ड्रेड नॉट एक्वायर कर सके. काफ़ी क्रूशियल टाइम रहेगा एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट आउट. एनी हाउ यहाँ पे वो ग्रैब अपॉन करना चाहते हैं एंड यहाँ पे वो लास्ट के 4 सेकंड के पहले ग्रैब अपॉन करेंगे. कोई भी काउंटर गोल नहीं किया गया, ड्रेड एक्वायर कर चुके हैं. विद दैट उनके लिए लेवल अप जरूर से रहेगा. आई होप कि यहाँ पे वो सिंड्रस जो है लेवल 14 हो चुके हैं. राइट नाउ ही इज लेवल 14.
15 से हल्का सा दूर मैक्स एचपी एंड ही कैन एंटायरली वाइप द एंटायर साइट मैन। बट उसके साथ उनका पायरो बॉल का डैमेज काफी हाई है। बट देखिए जिस तरीके से ऊपर छुपे हुए बुश के अंदर, दैट इज रियली मैन बोल सकते फनी साइड है, क्योंकि यहाँ पे उनके अनएक्सपेक्टेड था। अगर यहाँ पे स्नोरलैक्स जाके उधर घुसने का कोशिश करते तो लूफी को खत्म, टोटल खत्म था। बट अल्टीमेट पॉप आउट मैन यहाँ पे उनको रोकना अनस्टॉपेबल हो चुका है। बैक टू बैक अल्टीमेट ब्लास्ट वॉच भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी पॉप आउट करेगा। यहाँ पे ओपी ऑलमाइटी हार मानना नहीं चाहते, अकेले डस्ट बचे हुए प्रयास, बट यहाँ पे वो भागने का चांस मिलेगा पावर पंच का एक बेहतरीन शॉट। बट यहाँ पे देखिए सेंड्रस बैक टू बैक किल्स चुराना चाहते हैं, मैच हमको ऑलरेडी पिकआउट कर चुके हैं, गोइंग फॉर अ वेरी गुड शॉट। यहाँ पे कोशिश करें, वेव आएगा बल्बसॉर, नॉट बल्बसॉर, ब्लास्ट वॉइस यहाँ पे एंटायरली अपने फेवर पे गेम पे जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे रशिन हो चुका है, ज़ैपडॉस को स्टील आउट करने का कैमरा आ चुका है, ही माइट एंटायरली स्टील द ज़ैपडॉस फॉर हिज टीम, बट फॉर नाउ यहाँ पे वो डिफेंडिंग स्पॉट पे प्रेजेंट करेंगे। एक बेहतरीन डिफेंडिंग बाय माइंड मिस्टर माइंड अलॉन्ग विद सर्व का इस्तेमाल बाय ब्लास्टॉइस, बेरिंग एचपी जरूर है, एक बेहतरीन स्लैम, काफी हाई लेवल डैमेज इसके साथ। एल्टा कोस्ट मैन ही जस्ट स्टील इट आउट, लेट्स सी द रश बिगिंस और द डिफेंड कम फ्रॉम द साइड ऑफ ओपी ऑलमाइटी। ऑलरेडी यहां पे माइक चले जा चुके मैन, ही विल इजीली नेल इट आउट, 100 गोल 10 एंड डस्टेड। मीनवाइल और भी गोल करना चाहते हैं, बट मार्चम 41 गोल, ही कैन मेक अ डबल ऑफ 82, बट क्या यहाँ पे वो करने में सक्षम हो पाएंगे। लुकाकू ऑन द अदर एंड यहाँ पे और 100 डालेंगे, 88 का गोल जरूर से सिक्योर हो चुका है। विद दैट 648 के पोकेबॉल स्कोर कर चुके हैं, नन अदर इनफिनिट रिजॉर्ट, दे आर रियली द रिजॉर्ट फॉर नाउ इन दिस मैच। 109 रिकवरी इम्पॉसिबल है फॉर नाउ, दे कैन डू अ वेरी क्लोज नील फाइट, बट टाइमर 10 सेकेंड्स, नो चांस, जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब अ सर्व ऑफ द बेसिकली फार्म एंड द एंटायर मैच इज डन एंड डस्टेड फॉर इनफिनिटी जॉर्ड। फॉर नाउ दे हैव डन अ वेरी कम बैक, फॉर नाउ लेट्स सी हमारा जो थर्ड मैप है दैट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इनफिनिटी जॉर्ड ने कम बैक करके दिखाया वो पोटेंशियल प्ले काफी खतरनाक था। लेट्स सी ओपी ऑलमाइटी इस बार किस अंदाजे से वापसी करेंगे या फिर मुंह तो देखिए, इस बार पोकेमोन भी मैं बोलूंगा साइड था इन्फिनिटी के, क्योंकि देखिए लुकारियो है एक बेहतरीन ऑलराउंडर, ही कैन इजीली सिंगल हैंडेड कंप्लीटली हैंडल कर सकते टॉप लेन को, एंड एज कंपेयर टू ओपी ऑलमाइटी यहाँ पे उनके पास माचम पे आई माचम इज अ वेरी गुड शॉट, क्योंकि अगर वो अपने अल्टीमेट का यूज करते लास्ट में ज़ैपडॉस के टाइम पे बेरिंग एचपी था, मतलब बेसिकली सोच लीजिए 10-5% HP पे सर्वाइव कर रहे ज़ैपडॉस, उस टाइम अपने अल्टीमेट का हर एक पंच अगर ज़ैपडॉस पे लगा सकते थे इजीली स्टील आउट होता था, तो ही माइट डू दैट थिंग। बट वहाँ पे वो मिस आउट हो गया, आने में लेट हुआ, काफ़ी स्ट्रगलिंग, काफ़ी क्लस्टर हो चुका था, हल्का हल्का जो पॉसिबिलिटी था उनके फेवर पे नहीं था। लेट्स सी थर्ड मैच में किस तरीके किस अंदाज से फाइट होता है। ऑन द अदर हैंड MVP देख लेते हैं, इन्फिनिटी नन अदर फ्रॉम द साइड जॉर्ड यहाँ पे 150 गोल के साथ अपने लिए जाएंगे, अलॉन्ग विद ओपी ऑलमाइटी ग्रैबिंग द 50 गोल्स एंड बिकमिंग द MVP ऑफ द मैच। बाकी के प्लेयर्स ने भी काफी डिसेंट स्कोर आउट किया है, फेक को उतना चांस नहीं मिला, बार बार जब भी बॉटम लेन पे आ रहे थे फंस जा रहे थे तीनों प्लेयर्स के हाथों पे, जस्ट द स्लैम एंड द पिकाजू शॉट, खत्म कहानी, नॉट पिकाजू बेसिकली कैमरन का शॉट एंड खत्म कहानी था, तो बचने का कोई चांसेस नहीं मिल रहा था। आई होप कि इस बार का जो थर्ड मैच रहेगा उसमें कुछ एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो जरूर से ये लोग लाएंगे ओपी ऑलमाइटी। बट मीनवाइल मैन इनफिनिटी जॉट You done a job play, man. So guys, आप लोग कमेंट कीजिए अपने फेवरेट टीम्स का नाम। आई होप यू ऑल विल जस्ट क्योर अप योर टीम्स, क्योंकि राइट नाउ 108 लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना।